देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से समाज सेवियों पर, पत्रकारों पर और आईटी एक्टिविस्टों पर फर्जी मुकदमे सरकार के द्वारा दर्ज किए हुए हैं, और खासकर जो पत्रकार हैं उनके साथ आए दिन चाहे प्रशासन के द्वारा हो जो बदतमीजियां हो रही हैं उसके खिलाफ हम यहां आज प्रदर्शन करने आए हैं। डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि ये जो एक प्रचलन बन चुका है फरीदाबाद के अंदर, चाहे पत्रकार हो, आप आईटी एक्टिविस्ट वरुण शौकन जी को ले लीजिए, तमाम समाज सेवियों को जिस तरीके से फंसाया जा रहा है एक बदले की भावना से, एक रंजिश के तहत, ये गलत है। देखिए कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं मीडिया साथियों को कि कुछ दिन पहले पत्रकारों को के ऊपर छोटी मोटी बातों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, वो जेल में भी गए थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को लगता है कि मीडिया अगर कुछ आवाज़ उठाती है तो इनको दबा दो, और ये प्रचलन चल चुका है। कल की बात है, छायसे के अंतर्गत वहाँ के पुलिस वालों ने कुछ फरीदाबाद के मीडिया साथी थे उनके साथ बदसलूकी की है। तो आए दिन मतलब एक मीडिया का खौफ ही नहीं रहा है फरीदाबाद के अंदर। तो हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जो भी ऐसे अफसर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको जीवित रखा जाए, और जो एक्टिविस्ट आईटी एक्टिविस्ट वरुण शौकन जैसा नाम जो हरियाणा में एक जाना पहचाना नाम था और भ्रष्टाचार का काल था, चाहे वो पिलर बॉक्स घोटाला हो, कांग्रेस की सरकार के राज में उन्होंने वो उजागर किया था, उस समय के मंत्री कैप्टन अजय यादव को नैतिकता के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया था अपना, और उसमें कई बिजली बोर्ड के अफसर अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसे आप समाज सेवियों को, आईटी एक्टिविस्ट को झूठे मुकदमे दर्ज करके, जो कोई बनता ही नहीं था कुछ भी, जो अफसर हैं, तो ये गलत प्रचलन फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर जो चालू है, इसके खिलाफ हम आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और हम आपको मीडिया के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आप अगर ये फर्जी मुकदमे बंद नहीं हुए तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन युवा शक्ति करेगी।